हेलो नमस्कार दोस्तों कैसे हो आप सब लोग उम्मीद करती हो आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाली हूँ दोस्तों भारत सरकार ने सभी महिला को आदेश कर दिया है कि अब सभी महिला को बिल्कुल फ्री में भरा सिलेंडर साथ में चूल्हा और तीन सौ रुपये की सब्सिडी भी आपको मिलेगी दोस्तों जितने भी महिलाएं हैं अगर अभी तक यह वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ इस वीडियो को देख लीजिए और कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है कहां से फॉर्म अप्लाई करना है सब कुछ मैं आप लोग को इस वीडियो में बताने वाली हूँ तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा इसके लिए सबसे पहले अपने मोबाइल का गूगल ब्राउज़र को ओपन कर लेना है सर्च बॉक्स में यहाँ पे आपको लिखना है पी एम यू वाई ठीक है उसके बाद जैसे आप लोग लिखते हैं फर्स्ट वाले लिंक आपको देखने को मिलेंगे इस लिंक के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देनी है ठीक है जैसे दोस्तों आप इस, इस लिंक के ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं आपके सामने एक नया इंटरफेस देखने को मिल जाती है जो कि दोस्तों कुछ इस तरह करके आपको देखने को मिल रही है ठीक है अब दोस्तों यहाँ पे आपको पूरे डिटेल में आपको यहाँ पर समझाया जाएगा इस योजना का क्या बेनिफिट है कैसे आपको फॉर्म भरना है पूरे डिटेल में आपको इस वीडियो में समझाया जाएगा ठीक है तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों यह योजना केवल महिला के लिए ठीक है उज्ज्वला टू पॉइंट जीरो के तहत कनेक्शन लेने के लिए यह सिर्फ महिला ही ले सकती है ठीक है और जिस महिला के नाम से आप लेंगे उनकी उम्र अठारह वर्ष होनी चाहिए और दोस्तों उनके घर में और कोई एलपीजी गैस कनेक्शन नहीं रहना चाहिए इनमें से अगर कोई भी श्रेणी की महिला आती है तो ही इसमें आवेदन कर सकते हैं ठीक है समझ में आया अब यहाँ पर लिखा है आवश्यक दस्तावेज यानी कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं फॉर्म भरते समय सबसे पहले आपको ई के वाई सी करना आपके पास आधार कार्ड रहना चाहिए आपके पास राशन कार्ड रहना चाहिए ठीक है यहाँ पर नीचे मैं अभी आपको दिखा देती हूँ आपके पास राशन कार्ड होना चाहिए ठीक है और एड्रेस प्रूफ के लिए आपके पास फिर से आधार कार्ड आपको लगेंगे ठीक है बैंक खाता आईएफएससी कोड रहना चाहिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब आप लोग को रहना चाहिए नहीं तो दोस्तों आप लोग अगर इनमें से कोई भी आपके पास नहीं है दोस्तों आप लोग इसमें आवेदन नहीं कर सकते ये सब कुछ महिला का रहना चाहिए ठीक है उसके बाद दोस्तों जैसे आप लोग यहाँ पे आते हैं उसके बाद नीचे में आपको देखने को मिलेगा दोस्तों यहाँ पे क्लिक है ठीक है अप्लाई फॉर पी एम यू वाई कनेक्शन इसके ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है ठीक है यहाँ पे तीन कंपनी का सिलेंडर आप लोगों को देखने को मिलेगा इंडियन भारत एच पी आप जिस कंपनी में आप लोग मतलब फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं मतलब कनेक्शन लेना चाहते हैं उस पर क्लिक किया जैसे कि मैंने यहाँ पे एच पी पर क्लिक किया ठीक है उसके बाद सबसे पहले आप लोग को यहाँ से रेगुलर कनेक्शन से आप लोग को उज्ज्वला बेनिफिशियरी कनेक्शन के ऑप्शन पर सेलेक्ट कर लेना है ठीक है उसके बाद जैसे आप लोगों ने सिलेक्ट किया यहाँ पे एक बॉक्स देखने को मिला इस बॉक्स को सेलेक्ट कर लेना है ठीक है इस बॉक्स को सिलेक्ट कर लीजिएगा उसके बाद दोस्तों जैसे आप लोग सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे आपको इस तरह के ऑप्शन देखने को मिल जाती है दोस्तों डिस्ट्रीब्यूटर का नाम सर्च करना है तो दोस्तों आप किस टाइप का सर्च करना चाहते हैं नहीं नाम से या फिर लोकेशन वाइज से दोस्तों सबसे बेस्ट रहता है लोकेशन वाइज ठीक है तो आप लोग इसको सिलेक्ट कीजिएगा आपने सेलेक्ट किया उसके बाद यहाँ पर अब आपको स्टेट सेलेक्ट करना है आपका डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है अपना जो भी आपका डिस्ट्रीब्यूटर है उसको सिलेक्ट करना है जो आपका नज़दीकी में है ठीक है नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक कर देना है ठीक है तो आइए मैं अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेती हूँ तो मैं यहाँ पे अपना स्टेट मैंने सेलेक्ट कर लिया अभी मैं अपना दिखा देती हूँ मेरा स्टेट में मैंने सेलेक्ट किया ठीक है मैंने यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कर लिया जो भी मेरा डिस्ट्रीब्यूटर है मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेती हूँ यहाँ पर मेरा जो भी डिस्ट्रिक्ट है मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेती हूँ ठीक है मैंने सेलेक्ट कर लिया उसके बाद अब यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर का है ठीक है तो इसको आप लोग को सिलेक्ट करना है जो आपका नज़दीक में पड़ता है आप उसी को सिलेक्ट कीजिएगा ठीक है तो जैसे कि मैंने इसमें से किसी एक पर सिलेक्ट कर लिए ठीक है ठीके? और दोस्तों जैसे आप लोग सिलेक्ट करते हैं उसका यहाँ पे पूरा डिटेल आपको देखने को मिल जाती है यहाँ पे उस डिस्ट्रीब्यूटर का कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको देखने को मिलेंगे ठीक है तो आप लोग इसको अच्छे से रख लीजिएगा ठीक है इसका यहाँ पर नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए ठीक है जैसे दोस्तों आप लोग नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं उसके बाद यहाँ पे कुछ इस तरह करके फॉर्म ओपन हो जाती है ठीक है यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे फॉर्म ओपन हो गए सबसे पहले आपको आधार नंबर इंटर कर देना है ऊपर में यो डिटेल का पूरा यहाँ पर डिटेल आपको भरना है जन्म तिथि अपना नाम सब कुछ भर दीजिएगा ठीक है अगर आप लोग ग्रामीण क्षेत्र से है तो आप लोग इसको सेलेक्ट कीजिएगा अगर आप लोग शहरी क्षेत्र से है तो आप लोग अर्बन को सेलेक्ट कीजिएगा तो दोस्तों इसको आप लोग सेलेक्ट करके यहाँ पर पूरा डिटेल आप लोग को यहाँ पर फिलअप कर देनी है ठीक है स्कॉलन कीजिएगा और यहाँ पर दोस्तों आपको पूछ रहा है कि आपको सब्सिडी चाहिए दोस्तों महिला को सब्सिडी भी मिलेगी तीन सौ रुपये की सब्सिडी ठीक है तो चाहिए तो येस पे कीजिएगा नहीं तो नो पे कीजिएगा ठीक है यहाँ पर सिलेक्ट का ऑप्शन आप लोगों को देखने को मिलेगा ठीक है तो यहाँ पर चाहिए तो येस पे नहीं तो नो पे कीजिएगा ठीक है अब दोस्तों नीचे में आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे कैश ट्रांसफ़र सेक्शन दोस्तों यहाँ पे दो ऑप्शन आप लोगों को देखने को मिलेंगे आधार नंबर है अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप लोग ऊपर वाले नंबर को यहाँ पे आधार नंबर यहाँ पे लिख दीजिएगा ठीक है नीचे वाले को आपको छोड़ देना है ठीक है क्योंकि दो ऑप्शन दिया है इसमें इनमें से किसी एक को आपको फिलअप करना है अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर बैंक का डिटेल भरना है ठीक है उसके बाद अब यहाँ पर एल कनेक्शन यहाँ पे डिटेल है तो दोस्तों आपको ये वाला आई सिलेक्ट करने देना है इसमें कुछ नहीं आपको करना है उसके बाद दोस्तों नीचे में आप लोग को यहाँ पे आईडी आइडेंटिटी प्रूफ पे आप लोग के पूछेगा आपके पास कौन से आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आप यहाँ पे इनमें से किसी एक पर आप लोग को सिलेक्ट है जो आपके पास है ठीक है दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट रहता है सबके पास रहता है आधार कार्ड आप लोग आधार कार्ड को सिलेक्ट कीजिएगा उसका नंबर वहाँ पर आप लोग को लिख देना है ठीक है उसके बाद अब आपको यहाँ पे एड्रेस प्रूफ में अब आपको यहाँ पे जो आपका एड्रेस प्रूफ आप देना चाहते हैं इसमें से आप किसी एक पर सिलेक्ट कीजिएगा और उसके बाद यहाँ पे नीचे में एड्रेस प्रूफ में जो आप सिलेक्ट किए जैसे कि मैंने आधार कार्ड सेलेक्ट किया तो आपको यहाँ पे आधार नंबर यहाँ पे नीचे बॉक्स में लिख देना है ठीक है उसके बाद अब यहाँ पर है अब नीचे में अपलोड करने का ऑप्शन आया ठीक है थीके? तो अपलोड क्या कर रहा है आप लोग को यहाँ पे लोगो आप लोग को आइडेंटिटी प्रूफ में आप जो वहाँ पर डॉक्यूमेंट सेलेक्ट किए थे जैसे कि मैंने आधार कार्ड सेलेक्ट किया उसको आपको यहाँ पे अपलोड करना है सिलेक्ट फाइल के ऑप्शन पर ठीक है एड्रेस प्रूफ में जो आपने अपलोड किया वहाँ पर सिलेक्ट किया उसको आप अपलोड कीजिएगा ठीक है और पासपोर्ट साइज आप लोग को एक फोटो अपलोड कर देना है ठीक है उसके बाद नीचे बॉक्स को सिलेक्ट करके आप सबमिट कर देना है ठीक है जैसे दोस्तों आप लोग सबमिट कर देते हैं उसके बाद दोस्तों आप जो डिस्ट्रीब्यूटर अपना जो आपने सिलेक्ट किया जो अपने एजेंसी सिलेक्ट किया है वहाँ से आपके पास कॉल आएगी कॉन्टैक्ट होगा आपसे और जितनी भी जानकारी है सब कुछ आप लोग को वो समझाएगी और उसके बाद आपको वहाँ पर जाकर बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी गैस सिलेंडर दोस्तों जल्दी से जाकर आप इस वीडियो को देख कर फॉर्म को अप्लाई कर लीजिए आपको बहुत अच्छे से लाभ मिलेंगे ठीक है दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा